तुम ये सोच के हर प्रॉब्लम करने का सोचोगे कि इंटरव्यू में सरप्राइज ना आए, बट मोस्ट प्रोबेबल यही रहता है कि इंटरव्यू में तुम्हें नया अनसीन क्वेश्चन ही आएगा। हमें 200 to 300 हाई क्वालिटी प्रॉब्लम्स करनी है। सो तुम्हें बेसिकली क्वालिटी पे फोकस करना है रैदर देन क्वांटिटी पे। उससे रिलेटेड खुद से क्वेश्चंस पूछो एंड उसका आंसर दो, क्योंकि ऐसा होता है जब हम खुद से बात करते हैं ना, तो वो चीज़ हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए याद रहती है रैदर देन बस तुमने पढ़ लिया। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विशेष। आई एम प्री फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस अंडर ग्रेजुएट एट IIT धनबाद एंड आई एम गोइंग टू ज्वाइन फ्लिपकार्ट एज एन ST इंटर्न इन द कमिंग समर। सो गाइस, लॉट ऑफ पीपल आस्क लाइक हाउ टू रिवाइज डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स बिफोर प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप सीजन। लाइक जो भी तुमने एफर्ट्स डाले थे DSA सीखने के वक्त, उनको अभी कैसे यूजफुल बनाया जाए, कैसे तुम फिर से वही जोन में आ सकते हो। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू रिवाइज डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड वट ऑल टॉपिक्स यू नीड टू रिवाइज, वट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू नीड टू डू एंड वट इज द राइट वे टू डू दोज प्रॉब्लम्स एंड हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर टू रिवाइज DSA। सो गाइस, इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू, सो वॉच टिल द एंड। गाइस, लेट्स सी हाउ टू रिवाइज। सो स्टार्ट में रिवाइज करने के लिए क्या करो, किसी भी एक डाटा स्ट्रक्चर को पकड़ लो एंड उसके जो तुमने पहले क्वेश्चंस कर रखे हैं ऑलरेडी जब तुमने सीखा था, उनमें से 5-6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्या होगा ना, तुम उस डाटा स्ट्रक्चर की वर्किंग को रिकॉल कर पाओगे एंड ये करने के बाद तुम उस डाटा स्ट्रक्चर की वर्किंग तो जान गए, तो उसको खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। इम्प्लीमेंटेशन यार काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि क्या होता है ना, हम जनरली तो कोड में STL यूज कर लेते हैं तो सीधा डायरेक्ट मतलब डाटा स्ट्रक्चर का कोड यूज हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू में जब हो जाता है ना, मतलब जब हम डायरेक्टली यूज करते हैं तो वो पूछ लेते हैं इसकी वर्किंग बताओ, तो उस समय पेपर पे वर्किंग बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर तुमने पहले से नहीं इंप्लीमेंट करा खुद से। तो इम्प्लीमेंटेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद ये समझो कि तुम्हारा थ्योरी पार्ट उस डाटा स्ट्रक्चर का पूरा हो चुका है एंड अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है तुमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो तुम अभी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जो तुमने पहले नहीं करे। एंड वन मोर थिंग, अगर तुमने डाटा स्ट्रक्चर, वो पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए जब पहले कुछ नोट्स बनाए होंगे ना, उनसे एक बार गो थ्रू हो जाओ। ऐसा करने से क्या होगा कि उस नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमने जरूर लिखे होंगे, तो तुम उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस मत कर देना। सो एक बार नोट से गो थ्रू हो जाना। सो इस तरह से हम रिवाइज कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर। अगर तुम्हें रिवाइज करना है तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। अब तुम कौन से टॉपिक्स प्रैक्टिस करोगे, मैं एक बार ये बता देता हूँ, जो बेसिकली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो यदि मैं बेसिक टॉपिक्स की बात करूँ तो उसमें आते हैं एरेस, हमारा रिकर्शन, लिंक्ड लिस्ट, राइट, प्रायोरिटी क्यू, ट्रीज, ये जो बाइनरी ट्री होते हैं बेसिकली BSTs ये वाले, एंड देन फिर थोड़ा सा एडवांस में बात करूँ तो DP काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, गूगल तो इसके क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, एंड ग्राफ्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बैक ट्रैकिंग भी यार अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैक ट्रैकिंग में ना हमें जनरली कुछ कंडीशंस लिखनी पड़ती हैं कि कहाँ पे रोकना है कहाँ पे नहीं। तो क्या होता है ना, इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो टाइम तो होता है लिमिटेड, तो उस समय हमसे कंडीशन लिखी नहीं जाती यदि तुम्हारे पहले अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है। सो गाइज, इस वजह से मेरा एक इंटरव्यू भी रह गया था। सो बैक ट्रैकिंग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एंड और क्या करोगे, एक यार बिट मास्किंग टॉपिक होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, उसका एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, थोड़े से नंबर थ्योरी के जो बेसिक्स होते हैं वो भी अपने क्लियर रखना, और जो तुम स्किप है वो कर सकते हो सेगमेंट ट्रीज एंड फेनविक ट्रीज, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ हो सकता है एक आधे इंटरव्यू में पूछा जाए बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो मेन जो तुम्हारे टॉपिक्स है ना फोकस में रहेंगे वो है DP, ग्राफ्स, ट्रीज एंड रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग और स्टैक्स एंड क्यूज, ये सब बेसिक टॉपिक है जो तुम्हें ऑलमोस्ट आते ही होंगे, राइट। सो इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना मत भूलना गाइस। तो गाइस, नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी शुड प्रैक्टिस। सो गाइस, तुम्हें हर प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करनी जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे है। तुम ये सोच के हर प्रॉब्लम करने का सोचोगे कि इंटरव्यू में सरप्राइज ना आए, बट मोस्ट प्रोबेबल यही रहता है कि इंटरव्यू में तुम्हें नया अनसीन क्वेश्चन ही आएगा। सो ऐसा नहीं करना कि हमें 1000 प्रॉब्लम्स करनी है, हमें 200 to 300 हाई क्वालिटी प्रॉब्लम्स करनी है। सो तुम्हें बेसिकली क्वालिटी पे फोकस करना है रैदर देन क्वांटिटी पे।
अगर तुम्हें बैलेंस मेंटेन करना होगा, देखो अगर तुम 5 प्रॉब्लम कर रहे हो तो वो काफ़ी कम है, एंड अगर 100 कर रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा है। सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। सो एक टॉपिक पे इतना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बेसिकली 25 to 30 हाई क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर इनफ। ये इनफ है तुम्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हाँ ये वाला टॉपिक तुम्हारा अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है एंड यू कैन जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी बाय आई मीन लाइक एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स मत करो, थोड़े हार्ड भी करो, मीडियम भी करो एंड ईजी भी करो। सो इस तरह से एक ही टाइप के मत करो, मतलब जिसमें सिर्फ BFS लग रहा है या फिर DFS लग रहा है, एक ही टाइप मत करो, थोड़ा टोपोलॉजिकल सॉर्ट पे भी जाओ, ऐसे करके हाई क्वालिटी प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो। गाइस, लेट्स नाउ सी व्हाट इज़ द राइट वे टू रिवाइज, व्हाट इज़ द राइट वे टू प्रैक्टिस। सो गाइस, जब भी तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो ना, तो तुम्हें पेपर पे करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी तुम पेपर पे लिखोगे एंड उसको खुद को एक्सप्लेन करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या चीज़ को बेटर कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को या फिर कैसे समझाना किसी पर्टिकुलर चीज़ को, तुम उसको बेटर कर पाओगे। एंड मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है ना कि इंटरव्यूज़ में तुम्हें बेसिकली पेपर पे कोड लिखना होता है एंड उसको इंटरव्यूअर को समझाना होता है। सो गाइस, यदि तुमने पहले प्रैक्टिस नहीं करा ना, तो तुम्हें काफ़ी दिक्कत आएगी। सो इसको प्रैक्टिस करना, और कब करोगे? रिवाइज करते वक्त करना क्वेश्चंस को पेपर पर प्रैक्टिस, और लर्निंग के वक्त चाहे मत करना, क्योंकि उस समय तुम्हें बेसिकली सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन प्रैक्टिसिंग राइटिंग ऑन पेपर। ठीक है, सो इसको प्रैक्टिस करना जब तुम DSA रिवाइज कर रहे हो। गाइस, नाउ लेट्स सी हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिवाइज अ पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर। सो गाइस, तुम क्या कर सकते हो, एक दिन में ना जो पहले से प्रॉब्लम कर रखी है उनको प्रैक्टिस कर लेना, 5-6 प्रॉब्लम्स, तो इसमें ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, आई थिंक मैक्सिमम 2 आवर्स, राइट। सो एंड नेक्स्ट डे उसकी इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें खुद से करनी है, राइट। सो उसके लिए भी मैक्सिमम 1 to 1:30, राइट। सो एंड उसके बाद तुम उसके 2-3 डेज क्या कर सकते हो, नई प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। सो बेसिकली तुम एक दिन में यार 2-3 घंटे ही दे रहे हो एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर को, ऐसा नहीं है कि तुम पूरा ही दिन रिवाइज करने में स्पेंड कर रहे हो। सो तुम उस दिन और भी कुछ कर सकते हो। सो इस तरह से तुम बेसिकली आई थिंक 4 to 5 days में एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हें कोई प्रेशर नहीं है, कोई लोड नहीं है। सो एक दिन में तुम्हारे पास केवल रिवाइज नहीं कर रहे और भी अपना काम कर रहे हो। इस नाउ लेट सी हाउ टू प्रसिस्ट विद द रिविजन। सो तुमने एक बार पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर को रिवाइज तो कर लिया, लेकिन तुम उसके साथ प्रसिस्ट कैसे करोगे? ऐसा ना होना कि तुमने अभी रिवाइज करा और 1-2 दिन के बाद फिर भूल गए। सो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को रिवाइज करने के बाद उसको समराइज करो, उससे रिलेटेड खुद से क्वेश्चन पूछो एंड उसका आंसर दो, क्योंकि ऐसा होता है जब हम खुद से बात करते हैं ना, तो वो चीज़ हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए याद रहती है रैदर देन बस तुमने पढ़ लिया। सो खुद से आंसर करो, खुद को समराइज करो एंड स्पीक आउट लाउड, राइट। सो इससे तुम्हें बेसिकली याद रहेगा उस पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। गाइस, मैंने आपको जैसे रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, कितना टाइम लगेगा, हाउ टू प्रोसीड, ये सब बता दिया है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे रिवाइज करते हो, राइट। सो प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, राइट। सो गाइस, ऑल द बेस्ट।